अक्सर अध्यात्म की यात्रा में हमारी आज की युवा पीढ़ी सोचती है कि वो ईश्वर क्या है, वो परमात्मा क्या है, जब बुद्धत्व मिलता होगा तो उसकी क्या झलक होती होगी, वो क्या होता है, वो कैसा दिखता है। हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए ये सवाल बिल्कुल सामान्य है। तो परमात्मा की पहली झलक कैसी होती है और ये कब घटती है? देखिए, जिसने जाना उसने केवल यह कहा कि परमात्मा की झलक तुम्हारे रहते कभी नहीं घटेगी। अगर तुम सोचो कि परमात्मा की पहली झलक तुम्हें होगी तो वो कभी नहीं होगी। जब तक तुम रहोगे तब तक परमात्मा नहीं घटेगा, क्योंकि उस परमात्मा के लिए तुम ही तो बाधा हो। हाँ, बाधाएं बाहर नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि उस अध्यात्म की यात्रा में ईश्वर तक पहुंचने के लिए बाधाएं बाहर हैं, और ये सब कुछ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स से ही पता लगता है। लोग सोचते हैं कि कर्म बाधा है, काम वासना बाधा है, परिवार का मोह पद प्रतिष्ठा बाधा है, स्त्री बाधा है, क्योंकि जब तक सेक्स ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं बहेगी तब तक कुंडलिनी नहीं जागृत होंगी। और न जाने आप लोगों ने कितनी तथाकथित बाधाओं को बना रखा है। आप सोचते हो कि अगर इन सभी बाधाओं को हटा दिया जाए तो परमात्मा घटित हो जाएगा, आपको उसकी पहली झलक मिल जाएगी। शायद आप बहुत गहरी भूल में हो, क्योंकि उस परमात्मा से मिलन में न तो आपके कर्म की बाधा है, न पाप की बाधा है, न ही अज्ञानता की बाधा है। अगर कोई बाधा है तो वो हो तुम। हाँ, वो तुम ही हो। ये इस मैं की ही रुकावट है, क्योंकि तुम दुनिया जहां की चीजें जानने में लग जाते हो लेकिन इस मैं को साथ लेकर चलते हो, इस मैं को ही विसर्जित नहीं कर पाते। और जब तक ये मैं ना मिट जाए तब तक उसकी झलक आपको कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि आप लोग उस अध्यात्म की यात्रा में, उस ईश्वर की खोज में जितनी भी बाधाएं समझते हो, आपको जो भी कुछ लगता है, वो सब कुछ आपने अपने मैं से ही चिपका रखा है। क्योंकि आप सोचते हो जो सभी कर्म, जो भी क्रियाएं हैं, जो उस ईश्वर को पाने में बाधाएं हैं, वो बाहरी हैं। नहीं, इनमें से कोई भी बाधा बाहर की नहीं है। ये आप समझते हो कि ये मैं हूं, मेरे जरिए हो रहा है, आप करता हो ऐसा मानते हो, इस मैं को विसर्जित नहीं कर पाते, और ये मैं ही सबसे बड़ी बाधा है। आप अध्यात्म में उतरते ही सब कुछ साधने में लग जाते हो, विधि विधान प्राणायाम योग ध्यान सब आप सब करते हो, सब साधते हो, और फिर विचलित हो जाते हो, कहीं नहीं पहुंच पाते। जबकि असल सच्चाई तो यह है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप जितना ज्यादा मल्टीपल डायरेक्शन में भागोगे उतना ही उस परमात्मा की झलक से दूर हो जाओगे। आप परमात्मा को बाहर ढूंढते हो, अरे भाई ये आपके अंदर का ही मैकेनिज्म है। परमात्मा कहीं दूर बाहर नहीं है, यह कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बस तुम मिटो, परमात्मा तो यही है। ये मैं की दीवार हटाओ, परमात्मा स्वयं आपके सामने ही है। उस परमात्मा की पहली झलक तुम्हारी मृत्यु पर ही घटेगी। ये वो मृत्यु नहीं है जिस मृत्यु को आप जानते हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में एक सवाल आया। सवाल कुछ यह था कि डियर क्वेश्चन वर्ल्ड, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब इंसान मरता है तो क्या उसे परमात्मा मिलता है? नहीं, ये वो वाली मौत नहीं है। और असल में ऐसे मरना पूर्णता मरना नहीं होता, पूर्णता मरना सब कुछ जानने के बाद ही घटता है, और वो आपके जीते जी भी हुआ जा सकता है। हाँ, आप पूर्णता मर सकते हो अपने जीते जी, और जीते जी उस परमात्मा की झलकियां पा सकते हो। जब एक अज्ञानी मरता है तो उसे मरने के बाद भी उस परमात्मा का कुछ नहीं पता होता। मरने के बाद क्या होता है ये हम कैसे बता सकते हैं, ये तो एक मरा हुआ व्यक्ति ही बता सकता है, क्यों है ना। और अगर तुम उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए सब कुछ जमा करते हो, जैसे अपनी अकल, अपनी चतुराई, अपनी होशियारी, अपना पांडित्य, वेद पुराणों का ज्ञान, अपना चरित्र, अपना त्याग, अपनी साधुता, अपना महात्मापन, अगर आप इन सबको लेकर उस परमात्मा तक जाओगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, वहां केवल शून्य होकर ही जाया जा सकता है। जब तुम्हारा शून्य घटित होता है तब परमात्मा का पूर्ण घटित होता है, तुम्हारी शून्यता ही उस परमात्मा की पूर्णता को खींचती है। मिटो तो उसे पालो। आप परमात्मा को पाना तो चाहते हो लेकिन मिटना नहीं चाहते, मिटने से डरते हो, और फिर आप यही अटके रह जाते हो। और अगर आप सोचते हो कि थोड़ा बहुत ध्यान करने से आपके मन में कुछ झलकियां घटने लगती हैं,
आपको लगता है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव होने लगे हैं, तो यह केवल आपके मन के ही अनुभव हैं। ये आपके मन के द्वारा बनाए गए हैं। YouTube पर बहुत सारी ज्ञान वाली वीडियोस देखकर, चार ग्रंथ पढ़कर या आसन लगाकर ध्यान में बैठने पर आपको जो घटता है वो केवल बाहर से लिया गया है। जो आपने वीडियो में देखा और सुना कि ये करने से ये घटता है, वो करने से वो घटता है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, या उस परमात्मा के बारे में जो कुछ किताबों में वर्णित है, ये सब कुछ आपके गहरे तल में बैठ जाता है। आप स्वयं को ही सम्मोहित कर लेते हो और फिर आपका मन आपके साथ चाल चलना शुरू कर देता है। आपको एहसास दिलाता है कि यही परमात्मा की झलकियां हैं जो आपके साथ घट रही हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुझे एक ईमेल मिला, उस लड़की ने अपने सारे एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किए, और वो सभी एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस थे जो एक बुद्ध पुरुष को घटते हैं, जैसा बुद्ध महावीर के साथ हुआ था, जैसा उनके बारे में सीरियल या किताबों में वर्णित किया गया है, या आज भी बहुत से सद्गुरु हैं जो इस तरह का अनुभव बताते हैं। तो उस लड़की ने वो सारे अनुभव मुझे बताए, वो सभी अनुभव ऐसा लग रहा था कि सही हैं, इसके साथ ही घटित हुए हैं। और वह लड़की मुझसे क्लेम करती है कि उसका शास्त्रार्थ चक्र एक्टिवेट हो गया है, यानी उसकी कुंडलिनी सभी चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं। और उन सातों चक्रों के जो एक एक चक्र एक्टिवेट होते हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, उनके क्या क्या अनुभव होते हैं, वो सभी अनुभव वह लड़की बिल्कुल सही सही बता रही थी। मैं काफी आश्चर्यचकित हुआ और फिर मैंने सोचा, यह लड़की अपने सभी अनुभव मुझे क्यों बता रही है। वह मुझसे अपने पिछले जन्म के बारे में सवाल करती है और एक तरफ कहती है कि मैं ही तो परमात्मा हूं, मैंने खुद को जान लिया है, मैं जाग चुकी हूं, मेरी ऊर्जा शास्त्रार्थ चक्र तक पहुंच चुकी है, वो कमल खिल चुका है। और दूसरी तरफ क्वेश्चन वर्ल्ड से कुछ सवाल करती है जिसमें वो अटकी हुई थी। इवन वो मेरे बारे में भी भविष्यवाणी करने लगी थी। उसने मेरे बारे में जो कुछ बताया वो उतना ही था जितना आप किसी से बात करके उसके बारे में जान पाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। एक तरफ वह क्लेम करती है कि वह ईश्वर है, वह अपने आप को जान चुकी है, उसके भीतर ईश्वर ही बोल रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। तो मेरे समझे उसकी यह वही अवस्था है जिसने उसने बाहरी ज्ञान कलेक्ट किया, बहुत कुछ जाना, और फिर अपने आप को ही उसने सम्मोहित कर दिया, और इस बात को वह खुद भी नहीं जानती। हाँ, यह भी सत्य है, जब कोई व्यक्ति जाग जाता है, मैं को खत्म कर लेता है, स्वयं को मिटा लेता है, तो उसके भीतर केवल परमात्मा ही बचता है। जो बोलता है वो परमात्मा ही होता है। तभी इस बात को कृष्ण बोल पाए, हे अर्जुन, तू सब कुछ मुझ पर ही समर्पित कर दे, और ये धनुष उठा, तू केवल कर्म कर, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। मंसूर भी कहता है, अहम ब्रह्माष्टमी, मैं ही ईश्वर हूं। बुद्ध महावीर में से भी वह ईश्वर बोला। और जो उस लड़की को घटा वह परमात्मा की झलकियां नहीं थी, वह उसके मन का ही खेल है। आपको कृष्ण, शिव या कोई भी भगवान दिखता है, आप इन्हें भगवान समझते हो, यह ईश्वर की झलकियां नहीं है, ये तो रूप है। और वो ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जिसे आप देख सकते हो, परमात्मा तो केवल एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव है। ये वो स्वाद है जो आपके पूरे प्राण में फैलता है, आपके रोए रोए में आता है। इसे ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीने के बाद उसे जो नशा चढ़ता है, उसके भीतर जो घटता है वो एक अनुभव होता है। अगर कोई व्यक्ति जो शराब नहीं पीता है उस व्यक्ति से जाकर पूछे कि तुम शराब पीते हो, आपको भीतर से कैसा लगता है, इसका नशा कैसा होता है, और वो व्यक्ति कहे कि इससे नशा चढ़ता है, बस यही कह सकता है, क्या वह व्यक्ति अपने उस शराब के अनुभव को उस व्यक्ति को बता सकता है जो शराब नहीं पीता? और क्या वह व्यक्ति समझ पाएगा कि नशा मतलब क्या, ये किस प्रकार का होता है? जिसने आज तक शराब नहीं पी वो भला नशे को कैसे जान पाएगा? तो परमात्मा भी कुछ ऐसा ही नशा है, जिसको ये नशा हो जाता है वो जान लेता है। आप सोचते हो कि जब आपको परमात्मा की झलकियां मिलेंगी तो कैसा लगेगा, वो क्या अनुभव होगा? अरे भाई, उस ईश्वर की झलकियां पाने के बाद आप वो अनुभव कर ही नहीं पाओगे। इसे जरा ठीक से समझना, उस परमात्मा से मिलने के बाद मैं उसे जान लूंगा? नहीं, यह अनुभव आपके भीतर ऐसे घटेगा जैसे आप इसे कह ही नहीं पाओगे।
क्योंकि जब तक कहने वाला है, इसे एक्सपीरियंस करने वाला है, इसका अनुभव करने वाला है, तब तक परमात्मा नहीं घटेगा। आपके भीतर उस मैं की, उस करने वाले की मृत्यु ही उस परमात्मा का आगमन है, और उसके आगमन में केवल वही बचता है, दूसरा कोई नहीं बचता। प्रेम गली अति सांकरी जामे द्विना समाए। जब वो रह जाता है तो केवल वही बोलता है, और वह स्वयं अपना ही अनुभव कैसे कहेगा और क्यों कहेगा और किसे कहेगा? कहने का अर्थ ही खत्म हो जाता है, जानने वाला ही नहीं रहता। तो स्वयं का मिटना ही उस परमात्मा का आगमन होता है।